नमस्कार आदाब, मैं हूं शमसुर रहमान। इस वक्त हम हैं डीबी न्यूज़ की टीम के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर। 2019 का इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है। इस इलेक्शन का इंतज़ार पूरा हिंदुस्तान इस तरह से कर रहा है जैसे कि लोग ईद बकरीद होली और दिवाली का करते हैं। इस इलेक्शन में बहुत मज़ा आने वाला है। इस इलेक्शन के मुतालिक लोगों से जानते हैं उनकी राय। क्या नाम आपका? ऋषि कुमार। ऋषि कुमार जी, आप यहाँ पे किस क्लास में स्टूडेंट हैं? सर एमए पॉलिटिकल साइंस। एमए पॉलिटिकल साइंस में हैं। 2019 का इलेक्शन बिल्कुल सामने है, 5 साल इसके सरकार के पूरे होने जा रहे हैं। इस सरकार ने जो भी काम किए हैं आप उनसे कितना खुश हैं, और इलेक्शन के बाद में आपको क्या लगता है किस तरह की सरकार रिजल्ट देगी, कांग्रेस बनेगी या बीजेपी सरकार बनेगी? सर जो बहुमत सर बीजेपी को मिला था लास्ट टाइम, वो तो इस टाइम मिलने वाला नहीं है। सर मेरा नाम मोहित गौतम है और मैं एमबीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, क्या कहते हैं, जो महागठबंधन हो रहा है और उससे बीजेपी को काफ़ी चुनौती मिलने वाली है। अगर वो अपने महागठबंधन ये कामयाब होता है तो फिर देखा जाएगा कि इसका देश का प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है और किस किस तरीके से फिर वो काम करता है, कैसे कैसे सिचुएशंस को लेता है। 2019 का इलेक्शन सर पर है, आपको क्या लगता है कि इस बार सरकार में कुछ चेंजेस आएंगे या सरकार रिपीट होगी? देखिए, थोड़ा बहुत चेंजेस तो आ ही रहे हैं जब से सरकार आई है, मतलब काफ़ी कुछ स्कीम्स और पॉलिसीज सब कुछ लेकर आई है वो, और उम्मीद है कि जो नई सरकार आए वो भी लेके आए। अब जो ये सरकार बनी है वो सरकार बने, इससे हमारे ऊपर तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए तो वो जो करते हैं, जो प्लान्स और पॉलिसीज वो लेकर आते हैं, उसी से फ़र्क पड़ता है, तो होपफुली बेस्ट। क्या नाम आपका? मोहम्मद कामरान साहब अब यहाँ क्या किस क्लास में पढ़ते हैं? डिप्लोमा इंजीनियरिंग सेकंड ईयर के अंदर। 2019 का इलेक्शन सामने है, आपको क्या लगता है कि जो मौजूद सरकार की प्रोमिसिव और कारगुजारियाँ थी उससे आप कितना खुश हैं, और सरकार को आप रिपीट करने की ख्वाहिश रखते हैं या इसमें कुछ तब्दीली चाहते हैं? देखिए, सरकार को रिपीट करने की ख्वाहिश तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो उम्मीदें थी वो अच्छे नहीं निकल पाए। लोग उम्मीद काफ़ी थी, इसी वजह से इस सरकार को सरकार में मतलब पार्टी को गवर्नमेंट में लाए, लेकिन उम्मीद अच्छी नहीं आ पाई और वो रिजल्ट भी नहीं मिला, इसलिए इस सरकार को भी दोबारा रिपीट नहीं करना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? पवन कुमार जी। पवन कुमार, आप एएमयू में किस क्लास में स्टूडेंट हैं? मैं बी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ सिविल से। अच्छा अच्छा, तो अब 2019 का इलेक्शन नज़दीक है, आपको क्या लगता है? अब मोदी जी के लिए बहुत टफ पड़ेगा, क्योंकि रोजगार बेरोजगारी बहुत ज़्यादा छाई हुई है और बहुत सारे मुद्दे हैं लोगों युवाओं के पास तो, और मतलब वैसे भी SC ST एक्ट वगैरह और जनरल के लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब बेकार है। अच्छा हाँ, तो इस गवर्नमेंट के बाद में आप किस तरह गवर्नमेंट चाहते हैं? मैं उस गवर्नमेंट को वोट दूंगा जिसके टाइम में मेरी जॉब लग जाएगी, क्योंकि वैकेंसी के मामले में सभी दुखी हैं इस टाइम। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है। राघव जी, किस क्लास से पढ़ना है आप यहाँ पर? बी कॉम थर्ड ईयर। आपका क्या ख्याल है 2019 के इलेक्शन के बाद में क्या रिजल्ट आने वाला? अभी जो हाल फिलहाल में 5 राज्यों में जो इलेक्शन हुए थे उससे देखते हुए हमें नहीं लगता कि 2019 में मोदी सरकार आएगी। तीनों मध्य प्रदेश में, जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी की कितनी भारी वोट थी लेकिन वहां पे भी कांग्रेस ने वो करा, तो हम नहीं चाहते 2019 में वैसे आएगी नहीं जहां तक है। और बीजेपी जो मतलब ना तो नौकरियां जो है, नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा युवा का नौकरियां है। अब भी नौकरियां हमेशा उसने कहा कि नौकरियां हम क्रिएट कर रहे हैं, नौकरियां आ रही हैं, कोई नौकरी है, वो नौकरियां नहीं अभी तक आ रही हैं, सबसे ये बड़ा मुद्दा है। और वो चाहते तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते पर ऐसा कुछ कर नहीं रहे वो, मतलब वो इंटरनेशनल रिलेशन ज़्यादा अच्छे कर रहे हैं ऐसे, उसके बजाय जो अपने आपस के हों, नेबरहुड रिलेशन बढ़िया नहीं कर रहे, इंटरनेशनल पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मेरा नाम सर अंकुर दीक्षित है। अंकुर दीक्षित जी, आप यहाँ किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं सर बी सिविल इंजीनियरिंग में हूँ फर्स्ट ईयर में जी। तो सर मैं हाथरस से हूँ और सर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बीजेपी सरकार फिर से आए। अच्छा, वेरी गुड। हाँ सर, तो सर जो बीजेपी ने किया है वो पहले किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया, और जैसे सर हमारा स्कॉलरशिप है वो भी सर ऑनलाइन और ये सब पहले से भी चल रहा था, लेकिन उसमें सर बहुत भ्रष्टाचार होता था। लेकिन अब जब से बीजेपी आई है तो बहुत कुछ हम लोगों को बहुत पॉसिबल हो गया है, बहुत आराम से हो जाता है। तो सर फिर से बीजेपी सरकार आनी चाहिए। 2019 का इलेक्शन नज़दीक है, बीजेपी की सरकार है, इलेक्शन के बाद में क्या चाहते हैं कि बीजेपी सरकार फिर से आनी चाहिए या कुछ और सरकार में तब्दीली चाहते हैं? देखिए बीजेपी सरकार ने जो इनिशिएटिव जो GST वगैरह और जो सारी योजनाएँ लेके आई, तो मैं मानता हूँ कि एक बहुत ही मतलब कह सकते हो कि एक बहुत ही कठिन कदम था, और शुरुआत भी अच्छी थोड़ी अच्छी नहीं हो पाई नोटबंदी वगैरह की वजह से,
लेकिन मानता हूँ कि थोड़ी स्टेप बहुत डिफ़िकल्ट रहा है, लेकिन आगे बीजेपी आनी चाहिए क्योंकि डेवलपमेंट के पाथ पर शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन आगे मतलब दूरगामी जो होगी, दूरगामी जो रिजल्ट्स निकल के आएंगे वो मैं मानता हूँ अच्छे होंगे और जनता के हित में होंगे और सरकार आनी चाहिए दोबारा। आपको क्या लगता है 2019 के इलेक्शन में गवर्नमेंट की बीजेपी गवर्नमेंट आएगी या कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी? देखिए, जैसा हुआ है हम देखते आए हैं कि मुसलमान जो है बीजेपी की वजह से पीछे होते जा रहे हैं। जैसा आपने रिसेंटली देखा कि जो भी मतलब इलाहाबाद है उसका नाम चेंज किया गया, और मतलब जो भी हिंदू डोमिनेट प्लेसेस हैं जिनके नाम मुस्लिमों से मिल रहे थे, मतलब इलाहाबाद वो समझते थे कि इलाहाबाद है, तो ऐसा नाम चेंज करना ये तो मुस्लिमों को चैलेंज दे रहे हैं बखूबी। ऐसा हमने कांग्रेस की गवर्नमेंट में नहीं देखा, और भी बहुत से वाक़ा हुए यूपी में, मतलब बीप पे ऐसे भी बहुत से मसले आए सामने जिसमें मुस्लिम्स पीछे होते गए। मतलब ये मेरी बात नहीं, पूरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है बीजेपी का मतलब रोल देख चुकी है कैसा है। तो हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस ने भी कुछ खास नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी से हम कह सकते हैं कि हाँ इससे अच्छी सरकार है कांग्रेस की। बेहतर जी। आपका नाम? मुनय। मुनय, आपको क्या लगता है? जी मुझे तो बीजेपी ठीक नहीं लगती है। अच्छी सी पहली बात, बीजेपी अच्छी नहीं है, उससे अच्छी तो थोड़ी बहुत कांग्रेस ही ठीक है। तो इसलिए हम बीजेपी को नहीं चाहते कि बीजेपी जीत ले आगे के, और भी अगर बीजेपी ने जीत लिया तो समझो हिंदुस्तान में तो मुसलमानों को रहना ही नहीं है, फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहना, होता भी है। इसलिए हम नहीं चाहते, बीजेपी के टोटली सपोर्ट ही नहीं करते हम। बताओ रोशन अली, आपको क्या लगता है? हमको ये लगता है कि जो अगर अच्छे कोई काम करे उसको हम सपोर्टर करेंगे। मैं ये चाहता हूँ जो अच्छे मतलब जो भी देश में हो रहा है सभी को भी काम, जो भी कोई भी अगर आना चाहते हैं वो अच्छे काम हम उसको सपोर्टर करेंगे। तो जो भी काम बीजेपी गवर्नमेंट ने इस बार किए हैं, आप उन कामों से खुश हैं या नहीं? नहीं, हम उस कामों से खुश नहीं हैं, क्योंकि जो भी उन लोग वादा किए थे, उन लोग जो भी कुछ काम करें उसमें से कुछ काम तो किए और कुछ काम नहीं किए। क्या क्या वादे थे? आपको क्या लगता है 2019 में कांग्रेस की आनी चाहिए, बीजेपी आनी नहीं चाहिए? बीजेपी नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि ये बहुत मतलब भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है इसमें। अभी हाल फिलहाल में चल रहा है कि मतलब नोएडा में नमाज नहीं पढ़ सकते ग्राउंड में, मतलब अगर कांवड़िया जाएँ तो उन पर फूल बखेरेंगे, हम नमाज जाएंगे तो हमें धक्का लगेगा, मतलब फ़ायदा क्या है मतलब बनाने से? बिल्कुल एक तरफा वो है कोई भी, मतलब हमारे लिए तो कुछ है नहीं। उसका नाम? मेरा नाम अकरम हसन है। अकरम साहब, आप यहाँ पर AMU में स्टूडेंट हैं? जी, मैं PhD कर रहा हूँ हिंदी डिपार्टमेंट से। अच्छा, तो अब इस सरकार के बारे में आपकी क्या राय है कि आने वाले 2019 के इलेक्शन में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं? सरकार में जब तक ये भावनात्मक मुद्दों पर उल्टा सीधा लड़ाते रहेगी, देश को बदनाम करने की साजिश रचती रहेगी, और जो लोग हैं हमारे उनको असल मुद्दों से हटाते रहेगी, तो जब तक ये ऐसी चीज़ें फैलती रहेंगी जिससे कि नुकसान होगा। ये जो नुकसान है, यह सच में ही मानवता का नुकसान है। जिस तरीके के जो मुद्दे चल रहे हैं उन मुद्दों से ऐसा लगता है कि ये लोग जो है जो सही मुद्दे हैं उन पर काम ना करके ऐसे भावनात्मक मुद्दों पर काम करना चाह रहे हैं, जिससे कि देश लास्ट में गर्त में ही जाएगा। उसमें कोई फ़ायदा होने वाला किसी का नहीं है, ना हिंदुओं का फ़ायदा होने वाला है, ना मुसलमानों का फ़ायदा होने वाला है, ना सिखों का, ना किसी का। अरुण रंजन जी, आप क्या कर रहे हैं? मैं PhD कर रहा हूँ। अरुण जी, ये बताइए कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर आपको कितना टाइम हो गया एडमिशन लिए हुए? मुझे एक साल हो गए पूरे। एक साल में इस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या आपको किसी तरह की कोई कम्युनल फीलिंग्स या किसी तरह की पार्शलिटी का एहसास हुआ कभी? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं, और हिंदू मुसलमान सब एक साथ मिल करके एक भाई के तरीके से रहते हैं। हम लोगों के बहुत सारे मित्र हैं जो मुसलमान हैं। हाँ, ये है कि संख्या किसी की अधिक होती है, किसी की कम होती है, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई है, सब एक बड़े छोटे भाई की तरह रहते हैं। जिस तरह से सरकार की तरफ से ये मंदिर मस्जिद के इश्यूज उठते हैं बीच बीच में से, आपको क्या लगता है कि कभी आपको मंदिर के साथ जाना चाहिए, मंदिर के खिलाफ जाना चाहिए, ये मुद्दों में आपको कभी इन्वॉल्व होने का ख्याल आया? देखिए, मैं PhD कर रहा हूँ और हम लोग एक पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, तो ये सरकार की राजनीति है कि किस प्रकार से
हिंदू मुसलमान को बांट करके अपनी सत्ता को काबिज करना चाहती है और एक दूसरे को झगड़ा लगा कर कभी गाय की मुद्दा लाएगा, कभी मंदिर, कभी मस्जिद। क्या इनके पास अगर ये चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक काम करेंगे ताकि अपना वोट बैंक की राजनीति बनाते रहें और इनको कुछ करना नहीं है। सिर्फ देशभक्ति की बात करते हैं जबकि खुद देशभक्ति का ऐसे कोई भी काम नहीं करते हैं। तो 2019 का इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है, आपको क्या लगता है कि इस बार सरकार में क्या तब्दीली आने वाली है? देखिए, इस बार का जो इलेक्शन होना है, अभी 3 स्टेट के रिजल्ट ने बता दिया कि सिर्फ धोखेबाजी में तो नहीं हो सकता है। अगर राम मंदिर बना देंगे, विकास लाएंगे, विकास तो पैदा हुआ नहीं, बर्बादी ज़रूर पैदा हो गई। कहीं GST के नाम पर लूटा कसौटी करी गई, अब लगा कि हमने गलती की तो उसी में स्लैब में कमी करते जा रहे हैं बार बार। कभी 18 चीज़ों पर हटा देते हैं, कभी 12% कर देते हैं, कभी 5% कर देते हैं। दूसरी चीज़, ये 3 स्टेट के इलेक्शन ने बता दिया पब्लिक ने कि भाई चेंजेस होने हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, अभी जो रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं उस इलेक्शन से ने बता दिया है लोगों ने कि आप धर्म के आधार पर या लोगों को बेवकूफ़ बनाकर इलेक्शन नहीं जीत सकते। जनता समझ चुकी है कि सरकार धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर धोखाधड़ी कर रही है और ये धोखेबाजी ज़्यादा नहीं चलेगी। अगर आपको प्रॉब्लम है, हम अच्छी बात है, आप गाय को अपना पशु मानते हैं, धार्मिक पशु, अच्छी बात है, माता मानते हैं, उसकी खरीद फरोख्त पर बैन लगाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी इसमें। लेकिन आप किसी भी गाय मरती है कहीं पर तो इतना बड़ा बवाल हो जाता है, बच्चियों का रेप होता है, एक पुलिस वाला मर जाता है, उस पर आप कुछ नहीं करते हैं। तो साफ साफ जनता समझ चुकी है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजी कर रही है और ये धोखेबाजी ज़्यादा नहीं चल पाएगी। 2019 का इलेक्शन अभी सर पर है जी, और यहाँ पर जो सरगर्मियाँ हैं जी इलेक्शन को लेकर के जी, तो क्या आप इस सरकार से खुश हैं? क्या लगता है आपको, ये सरकार रिपीट होगी या बहुत तब्दील? बहुत सारी चीज़ों में तो सरकार ने क्या कहते हैं कुछ अच्छे स्टेप्स भी लिए हैं, लेकिन मेनली जो है क्या कहते हैं कम्युनल एक एटमोसफियर जो क्रिएट हुआ है वो सही नहीं है। आप देख रहे हैं क्या कहते हैं नेशनलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ पे, जो सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पे भी कई अटैक हुए हैं और कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें देखा जा रहा है। और आप देखिए रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो प्राइजेज हैं डोमेस्टिक बेसिक नेसेसिटीज़ के, वो बहुत हाई हैं इस टाइम। पेट्रोल है, कोई दाल सब्ज़ी, मतलब, और डिमोनेटाइजेशन भी कोई ऐसी सक्सेस रहा नहीं। 2019 का इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है, आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से सरकार की कारगुजारियाँ इस 5 साल के दौरान रही हैं, क्या आप उनसे खुश हैं या आने वाले टाइम में इस सरकार में कुछ तब्दीली होने वाली है? जैसे हम अगर कारगुजारी की बात करें तो गवर्नमेंट का ने जो काम किए हैं उसका हम लोग 3 स्टेट या 4 स्टेट 5 स्टेट में जो अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए, वो जनता जो है मैंडेट दे चुकी है कि जो गवर्नमेंट की जो है जो BJP इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उससे खुश नहीं है, उसकी स्कीमों से खुश नहीं है, जो कि डिमोनेटाइजेशन की स्कीम थी और इससे क्या है जनता पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। सरकार ने जो भी प्रोमिसज़ किए बिफोर इलेक्शन 2014 में, तो वो सारे प्रोमिसज़ जो भी थे अब तक कितने फुलफिल हुए, आप उनसे कितने खुश हैं और क्या लगता है कि आपको किस तरह की गवर्नमेंट आपको चाहिए? देखिए, मुझे ये लगता है कि सरकार ने, जहाँ तक बात प्रोमिसज़ की जाए, तो प्रोमिसज़ पे तो सरकार पूरे तरीके से खरी नहीं उतरी है। अब जैसे प्रोमिसज़ भी उसके क्या थे कि एक लेमैन की तरह के मेरी सरकार आएगी तो सबके अकाउंट में 15-15 लाख आ जाएंगे, तो मुझे ये नहीं लगता कि, एक तो लोगों को सोचना चाहिए कि 15 लाख रुपए इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, तो वो कैसे आ जाएगा, ये एक तरीके का बिल्कुल एक गलत बात है। तो ये थी राय 2019 के इलेक्शन के मुतालिक। कैमरामैन राशिद खान के साथ मैं शमसुर रहमान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़।